सायरा की माने तो वो और उनके पति दिलीप कुमार खौफ में जी रहे हैं। सायरा को डर है कि एक बिल्डर उन्हें और दिलीप कुमार को नुकसान पहुंचा सकता है। सायरा का कहना है कि समीर भोजवानी नाम का ये बिल्डर दिलीप कुमार के दो बंगले हड़पना चाहता है। बात यह है कि मसला जो है बिल्कुल हल ही नहीं हो रहा है, सालों साल बीतते जा रहे हैं। और आप ये दशा सोचिए कि दिलीप साहब जैसे इंसान। दिलीप कुमार के ये दोनों बंगले मुंबई के पाली हिल में है जो 1950 के बने हैं। सायरा के मुताबिक सायरा और दिलीप कुमार साल 2002 में इन बंगलों से सायरा के बंगले में शिफ्ट हो गए। ये बंगले उन्होंने दो बिल्डरों को रिनोवेट करने के लिए दिए, जिसमें से एक समीर भोजवानी है। पर सायरा बानो का आरोप है कि समीर भोजवानी दिलीप कुमार के बंगलों को हड़पना चाहता है, उसने फर्जी दस्तावेज भी बना लिए हैं। इन दोनों बंगलों से दिलीप कुमार की यादें जुड़ी हैं। बिल्डर की वजह से दिलीप कुमार को सायरा बानो के यहाँ रहना पड़ रहा है, वो अब तक अपने घर में लौट नहीं पाए हैं। सायरा बानो इस बंगले में फैंस के लिए दिलीप कुमार से जुड़ी यादें सहेज कर रखना चाहती हैं। उन्होंने हमेशा हमेशा साथ दिया, आर्टिस्टों का भी साथ दिया, हर आर्टिस्ट का उन्होंने साथ दिया जो जो मुश्किल में गिरा हुआ है। तो ऐसे वक्त पे मुझे लगता है ज़रूर हमारी इंडस्ट्री भी जो है वो सोचेगी, एंड आई एम श्योर एवरीवन विल रेज अ वॉइस इस नाइंसाफी के ऊपर। ये बहुत बुरी बात है जो हो रही है दिलीप साहब के साथ। रविवार को सायरा बानो ने पीएम मोदी के लिए ट्वीट में लिखा था, सर भूमाफिया समीर भोजवानी जेल से बाहर आ गया है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आश्वासन के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। पैसा और पावर से पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति को धमकाया जा रहा है। मैं आपसे मुंबई में मिलने का निवेदन करती हूँ। मैं ये समझती कि उनकी तबीयत अच्छी है तो वो खुद ही निमट लेते, मैं यहाँ क्यों बैठी होती आपके सामने। यू नो इन माई लाइफ आई हैव ऑलवेज टेकन फ्यू स्टेप्स बैक, चार पांच कदम उनसे पीछे ही रही हूँ जैसे बीवी को रहना चाहिए। लेकिन अब ये मेरी हालत देखिए कि मैं आपके कैमरा के सामने बैठी हूँ और दिलीप साहब के लिए मैं बात कर रही हूँ। पीएम मोदी तो सायरा बानो से नहीं मिले, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो दिलीप कुमार से बात करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सायरा बानो की शिकायत पर इस साल जनवरी में बिल्डर समीर भोजवानी के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और अप्रैल में उसे गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिन पहले भोजवानी को बेल मिली है। समीर भोजवानी जो 57 इयर्स के अक्यूज्ड है देवगुने में, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके और जो कंप्लेनेंट है सायरा बानो उनका चीटिंग किया था, एक कंप्लेंट के ऊपर गुना दाखिल हुआ था और उसमें कोर्ट से उनको एंटिसिपेटरी बेल मिला था। लेकिन दूसरा एक सेम पुलिस स्टेशन में एक और गुना दाखिल है 34/18 अंडर सेक्शन 420 465 467, इसमें EOW समीर भोजवानी नाम के अक्यूज को अरेस्ट किया था। दोनों के बीच कानूनी लड़ाई भी चल रही है और मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है।